हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा सोलार सेटअप बताऊंगा और किस तरह से मैंने एक सोलार स्ट्रीट लैम्प जो मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ मिला था उसको मैंने कन्वर्ट किया है मेरे कुछ लाइट्स जो है उसको पावर्ड करने के लिए। और दोस्तों, क्योंकि मेरा ये इसमें भी फर्स्ट टाइम था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मैं आपके साथ में इस चैनल पे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अभी एसी का सीज़न तो चल नहीं रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ वैल्यू एडिशन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हो जाएगा और कुछ नॉलेज शेयरिंग भी हो जाएगी इस वीडियो के द्वारा। तो इधर दोस्तों स्ट्रीट लैम्प था जो कि हम लोग को सब्सिडी में मिला था, 2014 की ये बात है, तो उसको दोस्तों ऑलरेडी 6-7 साल तो हो गए थे। दोस्तों, इसके साथ जो बैटरी लगती है वो लेड एसीटेट की बैटरी होती है और उसका नॉर्मल जो लाइफ होता है वो 6-7 साल का लाइफ होता है। ओके, और वैसे भी अभी 6-7 साल तो ऑलरेडी हो चुके थे तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्वर्टर लगाने से अच्छा क्यों ना हम लोग एक डीसी में ही डीसी वायर पे ही सेटअप कर देंगे, क्योंकि हमारे घर पे जो करंट आता है वो एसी करंट होता है। जितने भी हमारे अप्लायंसेज है वो सारे एसी करंट पे चलते हैं, वो बात अलग है कि वो बाद में उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बहुत सारे लोग बैटरी लेके इन्वर्टर लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे केस में प्रॉब्लम यही था कि मुझे श्योर नहीं है कि ये कितने दिन तक बैटरी चलेगा, इसलिए मैंने पूरा जो मेरा लाइटिंग का सेटअप है वो पूरा का पूरा डीसी पे कर दिया है। और सबसे पहला कंपोनेंट दोस्तों इस सेटअप में है हमारा सोलार प्लेट। दोस्तों, ये एक पॉलीक्रिस्टलाइन सोलार प्लेट है जो कि आप कलर से इसको देख सकते हो, ब्लूइश कलर है इसमें, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, लुबी इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हम लोग को सब्सिडी में मिला था और इसका जो आउटपुट है वो 75 वॉट्स है। तो दोस्तों, जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सबसे पहला इशू जो मुझे इसमें आया वो ये था कि 2013-2014 में मैंने ये स्ट्रीट लाइट लिया था, तो उस वक्त तो LEDs जो है वो इतने पॉपुलर नहीं थे, इसलिए जो इसमें बल्ब जो आता था वो CFL का बल्ब आता था और CFL दोस्तों AC करंट पे चलता है और जो LED होता है वो DC करंट पे चलते हैं। और इसी के लिए दोस्तों जो DC करंट था वो कन्वर्ट होता था AC में, और कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक इन्वर्टर का सर्किट होता है वो उसके अंदर लगा हुआ होता है। तो सर्किट का मुझे आइडिया नहीं था कि कितना वॉट का वो सर्किट है, क्योंकि जो CFL की रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ 11 वॉट्स का CFL था। तो अगर 11 वॉट्स के ज़रा ऊपर या 20 वॉट का अगर वो होता तो वैसे भी वो मेरे कुछ काम का नहीं था, क्योंकि 20 वॉट का वैसे भी वो यूज़लेस में ही गिना जाता है इसके लिए। तो ये दो रीज़न्स थे दोस्तों, सबसे पहला तो कि बैटरी की लाइफ कितनी है वो मुझे पता नहीं है, और दूसरा कि इसमें जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो AC के लिए सूटेबल होगा नहीं होगा, कितना लोड लेगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मैंने DC करंट में बना, जैसे कि मेरे दो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि सोलार के एक्सपर्ट भी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप DC पे ही चले जाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों, DC के कुछ डिसएडवांटेज भी है, स्पेशली दोस्तों आप जो आपका जो वायर है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो प्रॉब्लम यही होता है कि वोल्टेज और एम्पियर ड्रॉप होता है। इसीलिए दोस्तों आप जो पावर लाइन्स देखते हो हमारे घर पे आती है या फिर जो पावर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है, वो सारे के सारे लाइन्स दोस्तों 440 वोल्ट या 220 वोल्ट AC में होती है। आपके घर पे जो लाइन आती है वो भी 220 वोल्ट AC होता है, और बाकी जो आपका अप्लायंस होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है AC से DC के अंदर, और फाइनली वो DC का करंट यूज़ होता है। तो उसका ड्रॉबैक यही है कि DC का करंट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा नहीं सकता और आपको बहुत ही थिक वायर लगेगी उसके लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो मैक्सिमम कौन सी वायर लेनी चाहिए इस पर भी मैंने रिसर्च किया था। बहुत लोग बोलेंगे कि 4 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर मुझे यूज़ करना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर जो है वो मुझे आसानी से इसमें मेरे प्रोजेक्ट के लिए काम कर जाएगा, ऐसे मैंने एक जगह पे पढ़ा था, तो इसलिए मैंने 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर लिया। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ जो है जहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो वो है 25 मीटर्स, और मेरा दोस्तों ये जो सेटअप है वो एग्जैक्टली 25 मीटर्स के अंदर ही बैठ गया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 4 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर क्यों लेना, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का ही वायर मैंने लगा लिया इसके अंदर। वायर के बारे में दोस्तों और डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे जाके, फिलहाल चलते हैं और देखते हैं तो हमारा बैटरी जो है वो कहाँ पर लगा हो रहा है, कैसे किया है। तो अभी दोस्तों मैं हूँ मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये ग्राउंड, ये फर्स्ट फ्लोर, और ऊपर जो है वो टेरेस जो मैंने आपको दिखाया जहाँ पर मेरा सोलर पैनल लगा हुआ है। तो सोलर पैनल से दोस्तों जो वायर आती है वो यहाँ पर, ये देखिए, इस नली के द्वारा जो वायर जो है वो नीचे, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि मैंने लगाया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, और वो चार्ज कंट्रोलर का जो दूसरा हिस्सा आता है जहाँ पर बैटरी के कनेक्शन होता है वो बैटरी मैंने लगाई है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और आप देख सकते हो ये इंडो सोलार की सोलर ट्यूबुलर बैटरी है 12 वोल्ट 75 AH की, मैंने इसको घर के बाहर ही रखा है।
और क्योंकि दोस्तों मुझे इस घर को पावर करना था, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने जानबूझकर इस घर के अंदर ये सेटअप लगाया नहीं। इस घर के अंदर पूरी जो लकड़ियाँ है, जो हमारा गाय का या फिर भैंस का जो चारा लगा हुआ है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा हम लोग इस घर के अंदर स्टोर होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ स्पार्क वगैरह जनरेट होता है तो ये घर तो पूरा ऐसा 5 मिनट के अंदर ही पूरा भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये मैंने प्रोजेक्ट के लिए ये जो लोकेशन है वो ऐसा चुना है कि जो बैटरी है वो हमेशा घर के बाहर रहे। अब दोस्तों एक और मेन कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं इस सिस्टम का, जो कि है सोलर चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों ये है अपना सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये दोस्तों मैंने अमेजोन से लिया था और इसका जो रेटिंग है वो 10 एम्पियर का रेटिंग है। इसमें तीन या चार टाइप के आते हैं, एक 6 एम्पियर का आता है, फिर एक 10 एम्पियर का आता है, एक 20 एम्पियर, एक 40 एम्पियर का भी आता है। तो 10 का मेरे लिए सूटेबल था क्योंकि जितना मुझे लोड चलाना था वो मैंने वोल्टेज कैलकुलेशन करके एम्पियर निकाल के फिर बाद में इसको चॉइस किया था। तो इसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अभी चार्जिंग चालू है, तो ये सोलर पैनल है, ये यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है। तो ये देखिए ये चार्जिंग हो रहा है, ये एरो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। 13.2 वोल्ट तक ये चार्ज हुआ है, मैक्सिमम दोस्तों 14.4 वोल्ट तक ये जाता है। और 14.4 वोल्ट का मतलब होता है कि आपका जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो गया है। और ये दोस्तों यहाँ पर ये जो बटन है ये अंदर घुस गए हैं, एक्चुअली मैंने ज़ोर से इसको प्रेस किया एक दो बार तो ये जो दो बटन्स है वो अंदर चले गए, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में अब तक कोई इसमें इशू नहीं आया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। दोस्तों अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो जानना है इसकी सेटिंग के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा मेरे चैनल पे। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है वायर। पॉलीकैब 2C 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर 1100 वोल्ट IS, तो ये DC वायर है दोस्तों। अब दोस्तों 2C मतलब 2 कोर और 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर इसका डायमीटर है। अब दोस्तों इस पॉलीकैब के वायर का रेट जो है वो क्योंकि कॉपर है तो ज़्यादा होता है, 30 रुपीज़ पर मीटर इसका रेट चालू है मार्केट में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वायर लेनी है तो एक अल्टरनेटिव ये भी है, और ये एक मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर थे उनसे उनका एक वीडियो मैंने देखा था इसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो एल्युमिनियम का दोस्तों 4 स्क्वायर मिलीमीटर का एक वायर भी आता है जो कि आपको करीब करीब 18 या 20 रुपये या फिर 15 से 20 रुपये के बीच में मिलना चाहिए, तो वो भी आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि आपको जॉइंट जहाँ पर मारना होगा तो जॉइंट आप नहीं मार सकते उसमें, मार सकते हो लेकिन थोड़ा सा मगजमारी होगा क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब ये देखिए ये जो वायर यहाँ पे पड़ी हुई है तो इस टाइप में इसका वो वायर रहता है, और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये चाहिए होगा तो। अगर आप इस सिस्टम के बारे में सोच रहे हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 4 स्क्वायर मिलीमीटर का आप वायर लीजिए, ताकि सेफ़र साइड ये हो जाए कि आपका जो वोल्टेज है और एम्पियर है वो ज़्यादा ड्रॉप ना हो। यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव लग रहा है, तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इज़ रेड और नेगेटिव इज़ ब्लैक। यहाँ पर दोस्तों बैटरी का वायर लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर, और ये लोड जो है वो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, तो लोड में से दो वायर निकल रही है, ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है। और तुरंत मैं आपको अभी मेरा क्या क्या लोड जो है मैं इस पर चला रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों लोड की वायर जो है वो यहाँ से निकल के इस बल्ब में जा रही है, ये दोस्तों 5 वॉट्स का ये बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने दो बटन दिए हुए हैं, तो अगर मैं इसको चालू करूँगा तो ये देखिए ये चालू अभी हो गया है, तो इसका बटन ये वाला है, उसके आगे ये एक और बटन है, तो ये बटन कहाँ पर जाता है मैं देख लेते, ये इससे यहाँ पर से ये यहाँ पर दोस्तों रात को ये पूरा टाइम चालू रहता है ये बल्ब, क्योंकि दोस्तों ये जो बल्ब है वो रिप्लेस करेगा हमारे इस सोलर स्ट्रीट लैम्प को। 5 वॉट्स में दोस्तों रोशनी थोड़ी सी कम है लेकिन ये काम चलाऊ रोशनी, इसमें रात को वैसे भी इतना कोई घूमता नहीं है, ये बस एक स्ट्रीट लाइट है, तो इसीलिए ये 5 वॉट्स का इनफ है। तो ये भी दोस्तों 5 वॉट्स का हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया है, तो ये पूरे रात भर चालू रहता है। ये दोस्तों शाम के टाइम पर हम लोग चालू करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंगन है इसमें हम लोग को लाइट चाहिए होती है, तो ये करीब करीब 3 से 4 घंटा रोज़ ये चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने लाइटिंग किया है हमारे घर के सराउंडिंग का। दोस्तों ये जो दोनों बल्ब है वो DC के बल्ब है, और ये मैंने दोस्तों अमेज़ोन से लिए थे,
इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों ये हमेशा दो के सेट में आते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल पीसेस को लेने जाओगे तो आपको ये महंगा पड़ेगा, और इसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ही दोस्तों इसके एक्चुअल कॉस्ट से बहुत आगे निकल जाएगा। ये जो दोस्तों सॉकेट लगा हुआ है ये हमेशा चालू रहता है, और ये इन दोनों बटन से इंडिपेंडेंट है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर ट्यूसडे को लाइट जाती है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो मुझे मेरा जो लैपटॉप है वो चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। दोस्तों गांव का एरिया है तो कभी भी लाइट जाती है, बहुत टाइम के लिए जाती है, तो उस समय जो वर्क कंटिन्यूटी है वो रहने के लिए ये मैंने ये जो सेटअप है वो किया था। अब इसमें दोस्तों मैं 200 वॉट्स का जो मेरा इन्वर्टर है, कार इन्वर्टर, वो इसमें लगाता हूँ, और इससे मैं मेरी लैपटॉप को चार्ज कर लेता हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो ये मैंने एज अ बैकअप भी इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें चल रही है दोस्तों, दो बल्ब और यहाँ पर ये सॉकेट। अब मैं आपको मेरा इन्वर्टर जो है वो शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, और आपके लिए शायद ये जो कार में ट्रैवल करते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, जो लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के एंड में दोस्तों मैं ये इन्वर्टर के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों लोड का दूसरा सिरा जो है वो हमारे इस मेन घर में मैंने एक दिया हुआ है कनेक्शन, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे यहाँ पे पावर कट का प्रॉब्लम है, और दोस्तों क्योंकि ये किचन रूम है तो किचन रूम में शाम के टाइम पे लाइट जाएगी तो आपको तो पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए एक इमरजेंसी लाइट करके मैंने 14 वॉट्स का एक LED का बटन जो है DC का वो भी इसमें लगा दिया है। उसकी भी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले जाके किचन में चेकआउट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है ये। स्पार्कल कंपनी का है, ये दो के सेट में आता है, और कंपनी काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें। तो ये शिवालिक का और स्पार्कल का जो बल्ब आता है DC में वो काफ़ी अच्छा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्विच भी दिया हुआ है, तो स्विच से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया ऑफ और ये हो गया ऑन। दोस्तों इसका यूज़ अभी इतना होने लगा है कि हम लोग ये जो मेन जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जो पावर आती है, इसको हम लोग बल्ब है इसको हम लोग यूज़ ही नहीं करते, और पूरा का पूरा यूसेज है वो हम लोग इस पर ही चलाते हैं, तो इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग हो रही है। अब दोस्तों ये सेकेंड वायर यहाँ से जो है बाइफरकेट हो रहा है, एक किचन के अंदर जा रहा है और दूसरा ये यहाँ से इस रूम के अंदर जा रहा है, जो कि हम लोग का प्राइमरी रीज़न था। पहले इस रूम के अंदर एक LED का जो बटन है वो लगा हुआ है, और उसके बाद में इसके आगे ये यहाँ पर हम लोग का भैंस का तबेला है, तो उस भैंस के तबेले को पावर करने के लिए भी हम लोग ने ये DC की लाइट लगा हुई है। यहाँ पे मुर्गा है तो इसको एक्सक्यूज़ कीजिए। और ये देखिए, ये जो जहाँ पर दो बल्ब लगे हुए हैं, ये देखिए, ये जो है वो नॉर्मल वाला बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी, और ये अपना DC वाला बल्ब है, तो हम लोग इसको भी वहीं से पावर कर रहे हैं। तो चलिए ये रूम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमारा घर काला हो गया एक्चुअली, यहाँ पे एक चूल्हा हुआ उसकी वजह से। तो ये जो वायर आ रही है सीधा यहाँ पे, दो कनेक्शन दिए हुए हैं, दो बटन दिए हुए हैं, एक बटन से दोस्तों ये रूम पावर होता है। तो ये भी स्पार्कल का ही बल्ब है दोस्तों, LED बटन है, इसको चालू करने के लिए दोस्तों ये देखिए ये वाला। ओके, और उसके बाद में यहीं से जो वायर है वो ऐसे जाके इधर से ऐसे घूम घाम के उस होल में जाके, वहाँ पे हमारा पीछे भैंस का तबेला है, तो उस भैंस के तबेले में वो वायर जाती है। वहाँ पे दोस्तों जो बल्ब लगाया हुआ है वो 10 वॉट्स का है, 5 वॉट्स का नहीं है। वहाँ पर हम लोग जो मिल्किंग करते हैं काऊ की या फिर भैंस की, जो मिल्किंग होती है जहाँ से हम लोग दूध निकालते हैं, तो उसके लिए लाइट कम पड़ रही थी, तो इसीलिए हम लोग ने 5 वॉट्स के जगह पे वहाँ पे 10 वॉट्स का एक बल्ब लगाया हुआ है। तो दोस्तों चलिए तुरंत समरी ले लेते हैं, इसमें लगा है 14 वॉट्स, उसमें है 10 वॉट, टोटल हो गया 24, किचन में है 14 वॉट्स तो हो गए 38 टोटल, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 तो टोटल हो गए 48 वॉट्स टोटल इसका आउटपुट चल रहा है। इसके अंदर की लाइट दोस्तों करीब करीब 4 से 5 घंटे ये चलती है शाम के टाइम पे। भैंस के तबेले की लाइट दोस्तों सुबह चलाते हैं हम लोग इसको, तो कभी कभी बारिश के टाइम पे क्या होता है कि या फिर क्लाउडी रहेगा ना, तो पूरा जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाता है, और 10 वॉट का वहाँ का जो बल्ब है वो चल नहीं पाता है। लेकिन अगर पूरी तरह से सनलाइट रहेगा ना तो कोई इशू नहीं आता है, पूरा जो हमारा लोड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से चलता है। तो वो करीब करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा चलता है लोड, और यहाँ का भी मैंने बता दिया, यहाँ का भी आपको बता दिया। ओके,
तो फाइनली दोस्तों चलिए समरी ले लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा सोलार का सेटअप। अगर आपका भी यही रिक्वायरमेंट है तो आप डीसी सोलार सिस्टम के बारे में सोच सकते हो, सोलार लाइटिंग के बारे में सोच सकते हो। और क्योंकि दोस्तों इसमें इन्वर्टर का कोई खर्चा नहीं आता है तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बेसिकली इन्वर्टर का जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा होता है, लाइक 4500 से तो इन्वर्टर स्टार्ट होते हैं। जो सोलर के इन्वर्टर रहते हैं वो 5500 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपका सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है तो मेरे हिसाब से आप ये वाला सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वायर की लेंथ जो है आपको कम से कम रखनी है, और कम से कम वायर लेंथ में आपको जितना आपका भी बल्ब्स है वो आपको लगाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चीज़ें चार्ज करनी है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फिर आपका कैमराज हो गया, तो इस चीज़ के लिए दोस्तों कार इन्वर्टर एक आता है 200 वॉट्स का, वो आप ले सकते हो, जो कि मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें बने रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपना ख्याल रखना और कोरोना टाइम्स में बचे रहना। बाय बाय और हैव अ सेफ टाइम। तो दोस्तों ये है मेरा वेंट्रो का स्मार्ट पावर इन्वर्टर, जिसमें आप 12 वोल्ट का डीसी इनपुट डालना है और 220 वोल्ट एसी इसमें देता है। आपको अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो बोलते हैं 220 वोल्ट, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि एसी है या डीसी है। अगर सिर्फ डीसी 12 वोल्ट टू डीसी 220 वोल्ट होगा तो इसका मतलब वो सिर्फ बूस्ट कर रहा है वोल्टेज को, उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो 220 वोल्ट का है। तो आपको अमेज़ॉन पे ये लेते वक्त थोड़ा सा सावधान रहना है इसमें। दोस्तों ये एसी आउटपुट का सिग्निफिकेंस ये है कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे लाइट गई हुई थी, और वो टाइम पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो टेस्ट सीरीज चालू था, जो अजिंक्य रहाणे ने जिताया ना वो वाला, तो वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे चलाई गई लाइट। और फाइनली हम लोग ने इस पर फिर टीवी भी चलाई और सेट टॉप बॉक्स भी चलाया, और हम लोग वो मैच जो है वो देख पाए। इसमें दोस्तों यहाँ पे ये डिस्प्ले कितना वोल्ट इनपुट है ये हम लोग को दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे 12 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे दोस्तों यूएसबी चार्जिंग के स्लॉट है, तो इसका जो आउटपुट है वह 5 वोल्ट डीसी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये फास्ट चार्जिंग का है, टर्बो चार्जिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब अगर आपका फ़ोन टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यहाँ पे लगा सकते हो। 3 एम का इसका आउटपुट है और बाकी का शायद 1 एम का है। यहाँ पे दोस्तों दो आउटपुट पिंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये सॉकेट में 220 वोल्ट एसी आता है। एक टाइम पे आप मैक्सिमम 200 वॉट तक कोई भी अप्लायंस लगा सकते हो, दो कोई भी, तो आराम से आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। फिर ये DSLR की बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे DSLRs में आज भी चार्जिंग की सुविधा नहीं होती डायरेक्टली, तो ये एक ड्रॉबैक होता है DSLRs में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये ऊपर ये वाला पिन है, ओके, तो ये सिगरेट लाइटर का मेल पिन है, तो ये फीमेल में अटैच होगा और 12 वोल्ट से ये फिर 220 वोल्ट कन्वर्ट होगा, और आप इससे आराम से आपका जो टीवी है वो भी चला सकते हो और सेट टॉप बॉक्स भी चला सकते हो, ओके। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप हमेशा ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ये एक एडिशनल टिप मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ।